अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फोकसिंग ऑन योर गोल्स एंड स्टडीज़। वेलकम बैक टू माई चैनल अनोन स्टडी। अब नेक्स्ट हमने एक केस डिस्कस करना है। अगर सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाए हमारे पास वर्क डन में, तो इस केस में हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो हम वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दी है, फिर दोबारा से वही डायग्राम से पिछली डायग्राम में था, बस मैंने दोबारा ड्रॉ किया और सारी बातें वैसी होंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर हीट प्रोवाइड की है। आपको सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर जिसके अंदर गैस है। ये आपको बातें लिखनी होंगी, हर एप्लीकेशंस में भी आएगा। ये दो तीन बातें हैं जो आपने याद रखनी है और उसे पॉइंट्स बना के याद करना है और सेंटेंस बना के एग्जाम में लिखना है। हमारे पास सिलेंडर है विथ सिलेंडर हैविंग गैस, इसके अंदर गैस है और इसके पास क्या है, मूवेबल पिस्टन। ये क्या है हमारे पास मूवेबल पिस्टन। और हीट अप्लाई होगी तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव पार्टिकल्स विल कोलाइड लाइट्स एंड मूव द पिस्टन अपवर्ड्स मूव करेंगे। अभी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या, एंड कवर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से हमारे से हीट प्रोवाइड की तो इनके पास इन पार्टिकल्स के पास दो एनर्जी आ गई। कौन कौन सी, अब आप बताएं। इंटरनल एनर्जी, जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी में हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, हाँ मैंने पहले बताया काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सही है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अपवर्ड मूव कर गए। डिस्प्लेसमेंट causes work done. ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और स्टार्टिंग में अपनी वर्डिंग थोड़े अच्छे से लिख दें। तो इन्होंने वर्क डन किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब हमने इस वाले केस में हमें वर्क डन डेल क्यू चेंज इन हीट, यानी जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसे इक्वल रखना है चेंज इन डब्ल्यू के। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमें इंटरनल एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू ए से नाम दे देंगे और यहाँ पर क्या होगी, जब ये ऊपर वाली थी तो ये हो जाएगी यू पी। अब हम क्या करेंगे, डेल यू किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है हमारे पास, यू बी, और इनिशियल क्या है हमारे पास, यू ए। जैसे हम लोग 9th क्लास में करते होते थे जब हम छोटे होते थे, कि चेंज इन
वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे ही हमने यहाँ पर किया है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल, ओहो फाइनल बी माइनस इनिशियल प्लस डेल डब्ल्यू वर्क डन। तो हमारे पास ये यहाँ पर क्यू एस ही आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल मैंने बोला यहाँ पर जीरो के इक्वल है, यहाँ पर हमने ज़ीरो पुट किया, जीरो प्लस डेल डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू। चेंज इन हीट यानी जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमारे पास वर्क डन होगा, यानी हीट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट। इसका कंक्लूजन क्या निकला, हीट इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू द प्रोडक्ट नी वर्क डन इंटू द वर्क डन, यानी जितनी हम हीट अप्लाई करेंगे उतना ही ये पार्टिकल्स हमारे इंटरनल एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी जितनी हम एनर्जी देंगे उतनी से वर्क डन कॉज करेंगे। तो ये था इसका कंक्लूजन। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ से, एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।